नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। मतदान से पहले मंथन किया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हो रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उपचुनाव में मतदान से पहले रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किस तरह इंतजाम होने हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर, मतदान से पहले बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही वीडी शर्मा भी मौजूद है। और भोपाल के बीजेपी ऑफिस में ये बैठक जारी है, उपचुनाव से पहले रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किस तरह उपचुनाव के बाद काम किया जाना है, मतदान के बाद किस तरह के काम किए जाने हैं और जनता के बीच पहुंचना है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी ऑफिस में बैठक जारी है, उपचुनाव में मतदान से पहले की रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किस तरह मतदान से पहले कार्य करने हैं, और उसी को लेकर यहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस मीटिंग में जुड़े हैं और साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ता भी इस मीटिंग में नजर आए। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी मंथन कर रही है। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में बैठक जारी है, जिसमें वीडी शर्मा के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करने पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि भोपाल के बीजेपी ऑफिस में ये बैठक जारी है, जिसमें उपचुनाव में मतदान से पहले की रणनीति बनाई जा रही है। तो मतदान से पहले बैठक में मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि भोपाल के बीजेपी ऑफिस में ये बैठक जारी है, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक हो रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें मतदान से पहले की रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद किस तरह का कार्य करना है, किस तरह जनता के बीच पहुंचना है, तमाम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। तो मतदान से पहले मंथन हो रहा है इस बैठक के जरिए, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज जुड़े हैं। आपको बता दें कि भोपाल में बीजेपी ऑफिस में ये बैठक जारी है, जिसमें वीडी शर्मा के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं, जो कि तमाम पहलुओं पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर किस तरह आगे की रणनीति बनाई जाए और उस रणनीति पर किस तरह काम किया जाएगा। इन तमाम मसलों और मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हो रही है। तो भोपाल से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ऑफिस में बैठक जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, किस मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई, आखिर किस तरह बीजेपी आगे काम करेगी? अभी अभी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी वीडी शर्मा को बयान आया है, इसके
इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कांग्रेस पर जो वीडी शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस जो है वो षड्यंत्र की, झूठ कपट की और छल की राजनीति कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को फंसाने की कवायद कर रही है और इस पर ध्यान देने के लिए भी इस बैठक में बातचीत हुई है। किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम ना करने के निर्देश यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बने या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आए। तो एक तो कांग्रेस के तमाम जो आरोप हैं उसको लेकर सफाई दी है वीडी शर्मा ने और दूसरा ये कहा है कि मतदान केंद्र जो है उन पर उनकी जो पिछले दिनों एक बूथ और 20 यूथ की टीम बनाई गई थी उसको एक्टिव किया जा रहा है, लगातार फीडबैक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि मतदान से पहले जो जमावट है मतदान केंद्रों पर वो बीजेपी उसमें मजबूत नजर आए। ब्रजेश, इसके साथ ही क्या वहां पर जो मतदान होगा उस दौरान भी किसी तरह की कोई बातचीत हुई, क्योंकि मतदान के बाद रिजल्ट भी बहुत जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे 2 तारीखों को, तो क्या रिजल्ट के बाद की रणनीति तय की गई है? देखिए, अभी सिर्फ मतदान की रणनीति बीजेपी तय कर रही है, रिजल्ट की रणनीति के लिए अलग से बैठक की जाएगी, लेकिन अभी फोकस जो है वो मतदान केंद्रों पर है, यानी पोलिंग बूथ के मैनेजमेंट को लेकर पूरी बातचीत इस बैठक में हुई है और तमाम कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित करने की बात यहाँ पर हुई है कि किसी भी तरह की कोई कांग्रेस की तरफ से भी गड़बड़ी पर नजर रखें, कांग्रेस अगर गड़बड़ी करती है उस पर पैनी नजर बनाकर रखें। साथ ही कांग्रेस जो वीडी शर्मा ने आरोप लगाया है कि छल कपट की राजनीति कर रही है उससे भी बचकर रहने की सलाह यहाँ पर कार्यकर्ताओं को वीडी शर्मा ने दी है। कुल मिलाकर अब पोलिंग बूथ पर फोकस है और फोकस इसी बात का है कि मजबूती के साथ पोलिंग बूथ को संभाला जाए और इसके लिए अलग अलग जो जिम्मेदार प्रभारी तय किए गए थे उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने जिम्मेदार वाले क्षेत्रों में कड़ी नजर रखें, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहें और ये सुनिश्चित करें कि हर पोलिंग बूथ पर जो 20 कार्यकर्ताओं की टीम है वो एक्टिवली काम करे और उनकी तमाम जो जिम्मेदारियां हैं अलग अलग वो भी तय की गई हैं। जी ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।